देश भर में मकर संक्रांति का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि संक्रांति के दिन किए गए अच्छे कार्यों का आपको कई गुना फल मिलता है। खास तौर से मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य और पुण्य सलीलाओं में आस्था की डुबकी लगाने का भी एक विशेष महत्व माना जाता है। आज का दिन देवताओं का दिन भी कहा जाता है और यही वजह है कि सुबह से लोग नदियों किनारे घाटों पर नजर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज का दिन देवताओं का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर को सुधारते हैं और मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत कथा, दान और भगवान सूर्य की पूजा का खास महत्व है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। अंधेरा है, कड़ाके की ठंड है, कई जगहों पर तो रोशनी तक नहीं निकली थी, लेकिन लोग इस दौरान पहुंच चुके थे गंगा किनारे घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। सिर्फ गंगा किनारे ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रसिद्ध नदियों पर भी इसी तरह से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँचे। तो आज से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के पर्व पर पंचग्रही योग भी आज बन रहा है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन मकर संक्रांति पड़ने से इसे महोदरी संक्रांति भी कहा जा रहा है। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन राहु और केतु ग्रहों के बीच में सभी ग्रहों की स्थिति बनने से कल्प सर्प योग भी बन रहा है। गुरुवार को 8:16 पर सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, जिससे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्य काल प्राप्त होता है। इसके भी यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष संयोग से प्रातः काल में जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं सूर्यदेव, तो ब्रह्म मुहूर्त से ही पुण्य काल प्रारंभ होगा और सूर्यास्त तक यह कालखंड चलता रहेगा। मकर संक्रांति के खास मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन किए और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया। सीएम योगी ने पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। कड़ाके की सर्दी के बीच में भक्तों की भारी भीड़ भी गोरक्षनाथ मंदिर में जमा थी। सुबह मंदिर पहुँचे भक्तों ने मकर संक्रांति के मौके पर पूजा पाठ भी की। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल मकर संक्रांति की पूजा की तस्वीर है और ये गोरखपुर की तस्वीर है। गोरक्षनाथ मंदिर में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। श्रद्धालु ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दर्शन करने के लिए पहुँचे। आज के दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और खिचड़ी का भोग भी यहाँ पर लगाया गया। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं कोलकाता की तस्वीर है, यानी कि आप देखिए पूर्वी भारत में भी किस तरह से आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। गंगा किनारे लोग यहां पर पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। दान पुण्य का आज विशेष महत्व होता है और विशेष तौर से आज का जो महत्व होता है वो स्नान का रहता है और पुण्य नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि भले ही सर्दी कड़ाके की हो, आप सोचिए दिल्ली NCR में तो पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, शीतलहर चल रही है, कोहरा है कई जगहों पर, लेकिन इसका प्रभाव लोगों की आस्था पर नजर नहीं आता। और अब बात अयोध्या की करते हैं। रामलला के अस्थाई मंदिर में शिफ्ट किए जाने के बाद में पहली बार मकर संक्रांति पर भगवान रामलला को विधि विधान के साथ में खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तैयारियां इसकी पूरी कर ली गई हैं। आज 11:30 मकर संक्रांति के मौके पर भगवान रामलला को खिचड़ी, दही, पापड़ और घी के साथ में भोग लगाया जाएगा। विशेष श्रृंगार भी आज रामलला का किया जाना है। पूजा पाठ के साथ में, पूजा अर्चना के साथ में आज खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा भगवान रामलला को। तिल से तैयार वस्तुओं का सेवन आज के दिन शुभ माना जाता है और माना जा रहा है कि आज इसी तरह से प्रसाद जो है वो अयोध्या में रामलला को लगाया जाना है।
दरअसल आज मकर संक्रांत है और मकर संक्रांति का अपना एक अलग महत्व है, मान्यता कई ढेर सारी इनसे जुड़ी हुई है। और इसी के साथ हरिद्वार में आज शाही स्नान हो रहा है। हरिद्वार में इन दिनों कुंभ के लिए जोरदार तैयारी चल रही है और आज मकर संक्रांति के मौके पर विशेष स्नान यहां पर किया जा रहा है। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जहां लाखों श्रद्धालु लगाते हैं आस्था की डुबकी। यहां पूरी होती है हर भक्त की मनोकामना। कुंभ मेले को दुनिया में खास पहचान हासिल है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार 11वें साल में ही हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस साल भी कुंभ मेले की शुरुआत 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से ही हो रही है, जो अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। कुंभ मेला हिंदुओं के सबसे शुभ और सबसे बड़े अनुष्ठानों में से एक है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कुंभ मेले के दौरान पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों भक्त इकट्ठे होंगे। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने से यहां की ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में इस बार भी श्रद्धालुओं को लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। 2021 कुंभ के पहले पर्व स्नान को अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, लेकिन देखिए किस तरह की तैयारी सरकार की है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं कुंभ के दौरान, तो बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम होता है, उनको घंटों ट्रैफिक जाम में दो चार होना पड़ता है। कुंभ का सफल आयोजन उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड सरकार इस पर खरा उतर पाएगी। फिलहाल दावा तो यही किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज मकर संक्रांति का पर्व है, एक तरफ हरिद्वार की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन इसी तरह की तस्वीर पूरे भारत में नजर आती है। चलिए गोरखपुर का रुख करते हैं, दीपक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, आखिर आज मकर संक्रांति के इस विशेष पर्व पर किस तरह का नजारा, किस तरह का उत्साह यहां पर नजर आता है? श्रद्धालुओं की श्वास की खिचड़ी चढ़ाऊंगी। सावन पर्व दीपक, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए, उत्साह दिखाइए जी। सौभाग्यशाली है, बिल्कुल सीधे हम तस्वीर ही अपने दर्शकों को दिखाएंगे। गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में सुबह 4 बजे जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाई है, उसके बाद से लोगों के आने का और खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये मुख्य मंदिर है जहां पे इस समय हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे लोगों को छोड़ा जा रहा है ताकि भीड़ ना हो, और लोग जब एक तरफ से यहाँ पे दर्शन पूजन करके खिचड़ी चढ़ा करके निकल रहे हैं, उसके बाद से दूसरी तरफ से जो एक कतार यहाँ पे रोकी गई है, यहाँ से छोड़ा जा रहा है। अब तक माना जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोगों ने इस मंदिर में दर्शन किया है, गुरु गोरक्षनाथ को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई, और हर साल की तरह इस साल भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा था कि कोविड की वजह से हो सकता है लोग मंदिर में ना आए, लेकिन आज सुबह 4 बजे के बाद से लोग इसी तरह से आ रहे हैं और ये जत्थों में यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। 20-20 की संख्या में यहाँ से लोगों को बाहर भेजा जा रहा है ताकि जो मंदिर है उसमें मेन मंदिर में भीड़ ना हो, और हर बार की तरह इस बार भी लोग गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि नेपाल से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से यहाँ पे पहुंचे हुए। हर किसी की ये कामना होती है कि गुरु गोरक्षनाथ को जब वो खिचड़ी चढ़ाए तो उनसे जो भी वो अपनी मांगे हैं, जो मुरादें हैं वो मांगे और पूरी होती है लोगों की। इसी वजह से लोग यहाँ पे साल दर साल आया करते हैं, पीढ़ियों से लोग यहाँ पे आते हैं। तमाम लोग कल शाम को ही मंदिर में पहुंच गए थे, मंदिर में रुकने का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, और सुबह 4 बजे जब पहली खिचड़ी योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई है, उसके बाद नेपाल के राजा के द्वारा जो खिचड़ी आती है वो चढ़ाई गई है, और फिर मंदिर के जो कपाट हैं आम लोगों के लिए खोले गए हैं। लोग यहाँ पे महिलाओं की संख्या अगर आपको दिखाए तो महिलाओं की संख्या भी जिस हिसाब से पुरुषों की संख्या है ना, उसी हिसाब से महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पूरी व्यवस्था उसी हिसाब से की गई है। स्वयं योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे खिचड़ी मेले की, कहीं पर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम पुलिसकर्मी तो लगाए गए हैं, साथ ही वॉलंटियर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, एनसीसी के बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है, और हर
जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो मुकम्मल देखने की ये कोशिश नजर भी आ रही है। सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं गोरक्षनाथ मंदिर में। लेकिन अगर बात हम हरिद्वार की करें तो हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि हरिद्वार में आखिर कैसे आज पुण्य स्नान तो किया जा रहा है और अब कुंभ की भी तैयारी यहाँ से देखने को मिल रही है। सुरेंद्र मौजूद है, सुरेंद्र जरा हरिद्वार की भी तस्वीरें दिखाइए, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल नैना, इस वक्त मैं हर की पैड़ी में मौजूद हूं और आप देखिए ब्रह्मकुंड में किस तरह से आपको जो लोग स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व है, हिंदू धर्म में एक बड़ा पर्व है और 10 महीने के बाद कोविड की चुनौतियों के बीच में ये पहला ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें श्रद्धालु हमें नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, अगर सामने देखें भले ही मौसम बहुत प्रतिकूल है, आप देखिए कोहरे की चादर है, कोहरे की इस तरीके से कोहरा आपको उड़ता हुआ हर की पैड़ी में गंगा के ऊपर से नज़र आ रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो देर रात से ही स्नान कर रहे हैं। हालांकि ये भीड़ कम है क्योंकि हर साल हम देखते थे इस मौके पर पूरी हर की पैड़ी खचाखच श्रद्धालुओं से भरी हुई नज़र आती थी, लेकिन आज वो भीड़ कम है। और जहाँ तक आपने कुंभ की तैयारियों की बात की है तो कुंभ का ये पहला पर्व स्नान है, हालांकि अभी नोटिफिकेशन कुंभ का नहीं हुआ है, लेकिन जब भी कुंभ होता था तो मकर संक्रांति के स्नान को रिहर्सल के तौर पे देखा जाता था, उतनी भव्य तैयारियां होती थी। प्रशासन की, सरकार की उतनी भव्य तैयारियां नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी मौजूदगी इस बात को बताती है कि आस्था बड़ी से बड़ी कठिनाई पर भी भारी है और इसीलिए ये भीड़ आपको नज़र आ रही है। हालांकि जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसके चलते भी श्रद्धालुओं की संख्या कम है कि उनको अपनी रिपोर्ट लानी है, नेगेटिव रिपोर्ट या नहीं लानी है, उनको बिना नेगेटिव रिपोर्ट के आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा, इसलिए भी ये भीड़ आपको थोड़ा कम नजर आ रही है नैना। बिल्कुल, लेकिन ये वाकई में आपने कहा कि एक तरह से रिहर्सल है ये, क्योंकि आने वाले वक्त में खासतौर से हरिद्वार में एक बड़ा आयोजन है, महाकुंभ यहाँ पर होगा। अब जरा हम पटना का रुख कर लेते हैं, रजनीश यहाँ पर मौजूद है, ऐसा लग रहा है रजनीश तो कोहरे के बीच में ही खड़े हैं। रजनीश, अब तो सवेरा हो गया, रोशनी आ गई, लेकिन धुंध अभी भी छाई हुई है, लेकिन क्या ये धुंध यहाँ पर श्रद्धालुओं पर प्रभाव डाल पा रही है? बिल्कुल नैना, देखिए अभी भी धुंध बरकरार है और बिल्कुल सही कहा आपने कि चारों तरफ धुंध धुंध है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। ठंड बहुत ज्यादा है तो लोग आ रहे हैं, पूजा करके जा रहे हैं। जो अमूमन लोग घाट पर वक्त गुजारा करते थे वो कम दिख रहा है वक्त गुजारते हुए। और आज के दिन का जो महत्व होता है ना वो ऐसा महत्व होता है कि हर कोई घाट पर ही आके पूजा करना चाहता है। एक पंडित जी भी घाट पर मौजूद हैं। पंडित जी, आज के दिन का बहुत महत्व है? आज के दिन बहुत महत्व है। आज के दिन हर राशि लोगों का जो दान पुण्य होता है उसके नक्षत्र के अनुसार आज सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो वो सभी लोगों का कठिनाई हो या परेशानी हो, आज के दिन दान पुण्य करने से वो कठिनाई परेशानियां खत्म हो जाती है। चलिए, तो ये पंडित जी के बोल हैं और आप देखिए नैना किस तरीके से, मैं एक बार कहूंगा विजय सत्येंद्र आप दिखाएं कि कहां से यहां से वहां तक लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गंगा तट पर। और कोरोना की आहट तो लोगों को परेशान थोड़ा करती ही रहती है, लेकिन इन सबके बावजूद देखिए ठंड के बावजूद भी लोग आ रहे हैं और डुबकी लगा के जा रहे हैं। तो आज के दिन नैना गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और सुबह से ही, सुबह 5 बजे जब हम घाट पे पहुंचे थे तब से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आपने भी उस वक्त देखा था कि बिल्कुल अंधकार था लेकिन धीरे धीरे धुंध थोड़ा छटा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल रजनीश, हम भी जरा अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं आज की किस तरह से आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। ये दो तस्वीरें, एक है कोलकाता की, एक है पटना की। ये आप देखिए, भले ही यहाँ पर धुंध छाई है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन पटना में लोगों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं है। कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही हाल है, यहाँ पर भी गंगा घाट पर गंगा किनारे लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, दान पुण्य किया और मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया है। लेकिन जरा संगम नगरी का एक बार रुख कर लेते हैं, संगम नगरी में आज कैसी छटा है वो भी जरा जान लेते हैं। मानवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। मानवेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी दिखाइए कि त्रिवेणी घाट पर लोगों का किस तरह से यहां पर हुजूम है। तो
जी बिल्कुल, हम संगम तट पर मौजूद हैं नैना। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, लोगों की आस्था, यहाँ पर भारी संख्या में लोग लगातार पहुँच रहे हैं। लाखों लोग स्नान करेंगे और हमारी तमाम लोगों से बात हुई, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आस्था में, उत्साह में कोई कमी नहीं है, भारी भीड़ है। और सुबह भीषण शीतलहरी है, कोहरा था, अभी तक भीषण कोहरा था, बावजूद इसके लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और सिर्फ लोग, आम लोग ही नहीं, तमाम ऐसे लोग भी आए हैं जो दूर प्रदेशों से आए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देश के तमाम प्रदेशों से लोग आए हैं, अपने साथ पूरे परिवार को लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। जो एक सपा है वो यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल, यानी कि आज सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखा आपने, चाहे वो हरिद्वार हो, पटना हो, कोलकाता हो, प्रयागराज हो, हर तरफ एक सी ही तस्वीर नजर आती है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया।